हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी वेबसाइट के लॉगिन फॉर्म का जो डाटा होता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, उसको आप मैन्युअली कैसे सेव कर सकते हैं। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे गूगल क्रोम हो या फिर कोई दूसरा ब्राउज़र हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये फीचर होता है कि जो वेबसाइट आप फर्स्ट टाइम अपने पीसी पर ओपन कर रहे हैं, अपने ब्राउज़र पर ओपन कर रहे हैं और वहाँ पर आप कोई यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपके जो आईडी पासवर्ड आपने डाला है उसको सेव करने के लिए बोलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी वेबसाइट पर, अगर आप बार बार उसका यूज़ करते हैं वेबसाइट का, वहाँ पे आपको बार बार यूज़र आईडी पासवर्ड डालना पड़ रहा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेव नहीं हुआ है, तो आप उसको मैनुअल भी सेव कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने ये वेबसाइट ओपन कर ली है। ये वेबसाइट मैंने ओपन कर ली और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लॉगिन का बटन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे मैंने कोई भी आईडी पासवर्ड सेव नहीं किया हुआ है, तो मैं आपको ये मैनुअल करके दिखाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डाल करके ऑटोमेटिकली आना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक भी कर रहा हूँ तो भी यहाँ पे आईडी पासवर्ड शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ओनली यूज़र नेम शो कर रहा है, पासवर्ड को यहाँ पे फिलअप नहीं करेगा। तो इसके लिए आप क्या करें, गूगल क्रोम का यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ सेटिंग में जाएं और सेट देखिए यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है पासवर्ड्स। ओके, देखिए जैसे मैं पासवर्ड लिख करके एंटर करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे ऑटो फिल के अंदर एक पासवर्ड का ऑप्शन आपके सामने आ गया। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी पासवर्ड्स आपने अभी तक सेव किए हुए हैं उन सभी साइट के नाम और यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आपको कोई मैनुअल आईडी पासवर्ड सेव करना है तो उसके लिए आप यहाँ एक बटन देखेंगे ऐड का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको साइट का URL आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे मान लीजिए जिस पेज की हम लॉगिन करेंगे, जिस पेज पर, उसका URL आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको डाल दीजिए और उसके बाद इसका यूज़र आईडी पासवर्ड क्या है आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने इसको सेव कर दिया, अब मैं इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो जो मैंने आईडी पासवर्ड डाला है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आ गया है आईडी और यहाँ पे ऑटोमेटिकली पासवर्ड आ गया और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है। अगर आपको किसी भी वेबसाइट पर जहाँ पर आपका आईडी पासवर्ड सेव नहीं है और आप उसको मैनुअल सेव करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।